मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आजादी के 70 सालों में पहली बार गरीब और किसानों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के 1 करोड़ किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का आज से पूरे प्रदेश में वितरण शुरू हो गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने ग्वालियर से इस आयोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में उद्यानिकी के किसानों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का वितरण किया। एक दिन पूर्व शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के पूरे प्रदेश में वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान निधि देना शुरू किया था। इसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के 4,000 रुपए प्रतिवर्ष का इजाफा कर दिया गया है। प्रदेश के छोटे सीमांत किसानों को अब हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 5 हेक्टेयर से कम भूमि के छोटे किसान भी कृषि कार्य करते रहें, इसमें सम्मान निधि महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। इन किसानों की संख्या 1 करोड़ तक होगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, इसे यह पूरा करके रहेंगे। आज के दिन एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो हर किसान को 6,000 रुपए साल में 3 किस्तों में 2,000 की किस्तों में मिलता था, उसको और आगे बढ़ाया है। और अब मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत ये निधि, किसान सम्मान निधि 4,000 प्रदेश सरकार की ओर से जमा होगा। इस प्रकार 10,000 रुपए वार्षिक, चाहे वो 1 बीघा का किसान है, उसको भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश में अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 77 लाख किसानों का, लगभग 80 लाख किसान है, ये बढ़कर 1 करोड़ हो जाएंगे। इन 1 करोड़ किसानों को हर वर्ष 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के बाद 73 साल बाद किसानों को सम्मान मिला है, उन्होंने दिया है। और मुख्यमंत्री सम्मान निधि की तरफ से 4,000 और मिलेंगे। इसका कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर ये शुभारंभ कल मिंटो हाल से भोपाल से किया था, आज उसका वितरण पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के हाथ से हुआ है। वहीं हॉर्टिकल्चर में किसानों को जो फसल खराब हुई 19 की, उसका बीमा भी दिया गया। उसको लाभ का धंधा बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर दूंगा। और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत का संकल्प लिया था प्रधानमंत्री बनते से 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से, तब वो आलोचना हुई थी कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात करता, झाड़ू की बात करता, लेकिन वो एक छोटा सा झाड़ू हाथ में लेकर पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छ कर दिया, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत कभी स्वच्छ हो सकता है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।